JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि JKPSI से भी रिलेट करता है, VLW से भी रिलेट करता है, सिलेक्शन लिस्ट से भी रिलेट करता है, वो सभी डिस्कस करेंगे। बट वो सभी अपडेट डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि JKSSB से ही रिलेट करता है। आज से 2 दिन या 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर गई थी हमारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से आने वाले जो दिनों की बात कर रहे हैं या फिर आने वाले महीनों की बात करेंगे, कहा गया था कि मार्च के मंथ से पहले पहले जो है वो वैकेंसीज JKSSB एडवर्टीज़ करेगा। मतलब एडवर्टीज़ तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ 4000 वैकेंसीज का डाटा वहाँ पर बताया गया था। जो जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि इतने वैकेंसीज का हमारे पास डाटा है और हम इसके प्लानिंग कर रहे हैं कि मार्च एंडिंग तक हम पूरी प्लानिंग कर लेंगे किस तरह से इन वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ वगैरह करा जाएगा, और वही अब होने भी वाला है। और इसमें स्पेशली अगर हम बात करेंगे JKPSI की, अगर मैं बात करूँगा अभी जो अपडेट आया उससे हट के अपडेट आई है वाला, यहाँ पर जो 800 के करीब वैकेंसीज JKSSB की बात करेंगे, जो JKSSB की JKPSI की बात करूँ, 800 के करीब वैकेंसीज जो थी उसका प्रोसेस भी एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1200 वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं, उसका प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब जो 800 और पेंडिंग वैकेंसीज, फ्रेश वैकेंसीज आपके सामने जो है वो आने वाले 1 से 1.5 या 2 महीनों में आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से बाकी जो और भी वैकेंसीज JKSSB के पास आ चुकी हैं रेफ़र होके, वो भी एडवर्टाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और लगभग 4000 के करीब का वो नंबर दिया गया था जो जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, तो वो उम्मीद है कि पूरी 4000 के करीब वैकेंसीज जो मार्च के एंडिंग तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जिस तरह से डिपार्टमेंट जो है वो आगे रेफ़र करते जाएंगे, उस तरीके से और भी वैकेंसीज जो हैं वो सामने आती जाएंगी। बट फिलहाल एक अच्छा अपडेट है कि वैकेंसीज का जो प्रोसेस है, एडवर्टीजमेंट का जो प्रोसेस है, वो जल्दी आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। पुरानी जो वैकेंसी थी, जो पुराना प्रोसेस स्टार्ट कर रखा था, उसे भी जो है अब सही तरीके से कंप्लीट करा जा रहा है। अब चलते हैं आज के ऑफिशियल साइट की बात करेंगे। पहले तो ये कुछ अपडेट अभी फ्रेश देखने को मिलेंगे, उसके बाद एक अपडेट यहाँ पर आपको JKPSI वाला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है एक बार वो कवर कर लेते हैं। तो इस अपडेट की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है JKP की बात करेंगे, जो रिजल्ट आपके सामने आया था, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी ना, उस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपने देखा था कि कई सारे नाम ऐसे थे जो कि क्लियर नहीं थे आप सभी को। तो वही उसी उन्हीं नाम को लेकर यहाँ पे आपके सामने आया हुआ है नोटिस वगैरह आया कि वो सभी कैंडिडेट्स का जो भी, जैसे ये अगर एक नाम एग्जांपल लेके चलता हूँ तो इनका जो है वो ओरिजिनल डिस्चार्ज बुकलेट की बात करेंगे वो वहाँ पर नहीं दी गई, ये सोशल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वैलिड विद इन डेट वाला वो वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करा गया था, इस वजह से नाम नहीं है। तो इन सभी को एक एक्स्ट्रा चांस दिया गया कि आप बोर्ड के पास जाइए और ये सब कुछ आपको सबमिट वगैरह करवाना है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये उन सभी कैंडिडेट्स का नाम है जो भी प्रॉब्लम, जिसने भी जो भी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करवाया, उन्हें टाइम दिया गया कि आप बोर्ड के पास जाइए और जो टाइम है, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो वहाँ पर सबमिट करवा दीजिए। इन सर्टिफिकेट्स की वजह से जो उनको नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट पर नहीं आ रहा है। तो एक तो ये रहा अपडेट JKPSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आया है, JKSSB की, 7 दिनों का टाइम दिया जा रहा है और आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है। अब चलते हैं VLW के अपडेट है, पर वो भी देख लेते हैं। इसी तरीके से JKSSB VLW की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को टाइम ना, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है टाइम दिया गया है 15 जैन का। वो 15 जैन को जाके जिसके DV वगैरह रह गए थे, जो ऐसा जो भी प्रोसेस था, वो DV वगैरह अपने DV के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। लास्ट और फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, 15 जैन का टाइम है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा कि सारे एस्पिरेंट्स के काम आने वाले। जम्मू वाले जो कैंडिडेट्स ने पंचतीर्थी जाना पड़ेगा और कश्मीर वाले जो है उन्हें ये जो आप सभी को एड्रेस पता है वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। टाइमिंग आपको 11 बजे की दी गई है। तो ये VLW का भी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे पंचायत सेक्रेटरी बता दिया, ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की, आपको ये देखने को मिल रही है। सिलेक्शन लिस्ट है केमिस्ट वाली पोस्ट की, आपको ये देखने को मिल रही है। ये कई सारे अपडेट ड्राइवर की पोस्ट को लेकर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कई तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो JKSSB की ऑफिशियल साइट पर आए हैं। तो आपने अभी तक अगर नहीं देखें विजिट कीजिएगा, और कई सारी नोटिफिकेशन जो आपके काम आने वाली हैं। तो ये आंसर की वगैरह लगे, ये तो कल का अपडेट है जो आपसे डिस्कस कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपसे डिस्कस वगैरह करें। और जहाँ तक बात थी JKSSB सुपरवाइजर की क्लासेस की, वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। तो फिलहाल अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।